गुप्त नवरात्रि में जब आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो इसको पूरी तरह से गोपनीय रखिए। किसी को भी बताने की या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल किसी को पता मत चलने दीजिए कि आप कोई पूजा, उपासना या साधना कर रहे हैं। अगर आप गोपनीय तरीके से पूजा, उपासना, साधना करेंगे तो गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा।